Welcome all of you, you are watching my channel Flora Academy and I am Jill Batham. इससे पहले आपके लिए मैंने बहुत सारी एक्सरसाइज की, आर्टिकल के एक्सरसाइज की वीडियोज़ बनाई हैं, तो ये भी वीडियो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज. इससे पहले मैं आपको लगभग 41 सेंटेंसेस दे चुका हूँ और ये आपका 42 से लेकर 56 तक और भी दिए हैं, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा. 42 आपका सेंटेंस कहता है कि यू आर अनलक्की स्टूडेंट. इसमें ए और एन का यूज़ करना है. यू आर अनलक्की स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान रखें अनलक्की, यहाँ पे वोवेल साउंड बन रहा है इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ होगा. 43 इट इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ध्यान की यूनिट यहाँ पे कंसोनेंट साउंड है ना कि वोवेल है, इसलिए ए का यूज़ होगा. 44 आपका MLA, तो M को जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो N वोवेल, मतलब वोवेल आ रहा है इसलिए यहाँ पे एन का यूज़ होगा. एन MLA रिप्रेजेंट्स कंस्टिट्यूएंसी, कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है यहाँ पे चुनाव क्षेत्र. कंस्टिट्यूएंसी जो है आपका यहाँ पे साउंड जो बन रहा है वो कंसोनेंट है इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ होगा. 45 है आपका हारमोनियम इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो ध्यान रखेंगे म्यूजिकल इसे नहीं देखेंगे हम, इसको देखेंगे म्यूजिकल, क्योंकि जब नाउन से पहले आपका कोई भी एडवर्ब एडजेक्टिव आता है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे म्यूजिकल जो है आपका एम म्यू, यहाँ पे कंसोनेंट बन रहा है इसलिए भी ए का यूज़ होगा. 46 है आपका हिंदी इज़ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, हिंदी डिफ़िकल्ट, यहाँ पे भी आपका कंसोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ होगा. नेक्स्ट है 47, सुधीर वॉज इन हरी वेन आई सॉ हिम, सुधीर जल्दी में था जब मैंने उसको देखा था. हरी यहाँ पे कंसोनेंट साउंड है इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ होगा. 48 इस सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, एक्स आर सोल्ड बाय डजन, मतलब एक्स जो है वो डजन के हिसाब से बेचे जाते हैं. तो ध्यान रखिए अभी यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में, और या यूँ मान लीजिए कि इस सेंटेंस में हम ना तो ए का यूज़ करेंगे ना ही हम एन का यूज़ करेंगे, यहाँ पे दा का यूज़ होगा. अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है, और भी आगे लिखा है आई हैव डजन एक्स, तो ऐसी कंडीशन में हम ए का यूज़ करेंगे. 49 गोल्ड इज़ प्रीसियस मेटल, गोल्ड, तो यहाँ पे गोल्ड वो बेसिक बहुमूल्य चीज़ है, बट ये आपका पर्टिकुलर नाउन नहीं है क्योंकि गोल्ड जो है हर कहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर आर्टिकल जो आपका है कुछ भी नहीं बनेगा. गोल्ड इज़ यहाँ पर आपका प्रीसियस मेटल, ये आपका कंसोनेंट है इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ होगा. मैथमेटिक्स इज ईजी सब्जेक्ट, तो ईजी ए यहाँ पे आपका वोवेल साउंड है इसलिए एन का यूज़ होगा. 51 माई वाइफ इज बी ए, मेरी पत्नी बी ए आ बी ए कंसोनेंट साउंड है बट आई एम एम ए, ये आपका वोवेल एम जो है आपका वोवेल साउंड है इसलिए एन का यूज़ होगा. 52 श्वेता इज हम्बल गर्ल, तो यहाँ पे हम्बल गर्ल, हम्बल यहाँ पे वोवेल साउंड है, यहाँ पे हम एच है ये गर्ल, तो एन का यूज़ होगा. आफ्टर दैट 53 वाटर इज़ नेसेसरी फॉर लाइफ, तो यहाँ पर किसी प्रकार का कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा क्योंकि पर्टिकुलर चीज़ नहीं है. 54 द पुअर बॉय इज़ ऑफन, तो ध्यान रखेंगे लूसेंट की जो बुक कहती है कि यहाँ पर आर्टिकल नहीं बनता है क्योंकि इस जगह पर नाउन नहीं है, बट ये सेंटेंस जो है कुछ अपवाद है. गूगल सर्च करने पर पता चलता है कुछ और ग्रामर कहते हैं कि यहाँ पर दोनों ही आर्टिकल सही हैं, दोनों आर्टिकल मतलब सही है कि यहाँ पर आर्टिकल नहीं बनना और दूसरा एन का यूज़ करना भी सही है, आर्टिकल नहीं होना और एन का यूज़ दोनों ही सही माने जाते हैं. अगर इस प्रकार का एग्ज़ाम में आ गया तो क्या करेंगे, या तो ये आपका बोनस पॉइंट में जाएगा या फिर एक ही ऑप्शन दिया जाएगा इसके अंदर कि हमें किसका यूज़ करना है. शी वॉज इन टेम्पर, शी वॉज इन टेम्पर, यहाँ ये भी आपका जो है
कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर ए का यूज़ होगा। शी इज़ ब्यूटी, शी इज़ अ ब्यूटी, तो यहाँ पे आपका कंसोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे ए का यूज़ होगा। इसी प्रकार का जो कि 54 जो आपका सेंटेंस है ऑफ एन वाला, ऐसा एक और सेंटेंस मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, तो वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि आपका सेंटेंस है, यहीं पर लिख देता हूँ, ही इज़ ऑनेस्ट मैन, ही इज ऑनेस्ट मैन। तो ध्यान रखें, अगर इस प्रकार का सेंटेंस आता है तो यहाँ पर हम डेफिनेटली एन का यूज़ करते हैं। बट अगर यही सेंटेंस जो है आपका इस प्रकार हो जाए, ही इज ऑनेस्ट, इस प्रकार का सेंटेंस हो जाए, तो लूसेंट की जो बुक कहती है कि यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई नाउन वगैरह नहीं है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर, लेकिन फिर से कुछ ग्रामरियन कहते हैं कि यहाँ पर एन आएगा, मतलब दोनों ही चीज़ें सही हैं यहाँ पर, दोनों ही, अगर आप नहीं लगाएं तो भी और एन लगाएं तो भी, दोनों ही चीज़ें सही हैं। तो ये भी चीज़ अगर यहाँ पर जो अपवाद की चीज़ें कुछ इसमें ग्रामर के अंदर चलती हैं, और इस प्रकार की भी अगर कुछ सेंटेंसेस अगर एग्ज़ाम में आ जाते हैं तो वो भी आपके बोनस के अंदर ही जाएंगे। तो इस वीडियो में आपके लिए आज इतना ही।